ngolup tuten dakten der beder lava agoma mirem ngolumising। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपका दोस्त सत्यज रैन, स्वागत है आप सभी को एक नए ब्लॉगिंग वीडियो पर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, तो वहाँ जाने का कारण एक ही है। तो पिछले महीने हमारे गांव से जितने भी लोग नौकरी मिले हैं उन्हीं लोगों को आज सम्मान देने वाला यार, रेस्पेक्ट हमारे गाँव की तरफ से, हमारे गाँव के लोगों की तरफ से। तो उन्हीं लोगों में से यहाँ पर 2 बंदा है, इन्हीं लोगों ने भी नौकरी मिली है दिस ईयर। चलते चलते थोड़ा बातचीत कर लेते हैं उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों ने आज नौकरी मिली है यार। तो पूछ लेते हैं अपने नोएन भाई से। हाय बोलो यार। हेलो हेलो भाई। भाई नौकरी तो मिल गया, लेकिन शादी कब करने वाला है? शादी तो नहीं करेगा यार। क्यों शादी नहीं? जिंदगी अब्दुल का लोग शादी नहीं करेगा अभी, नहीं करेगा, देखता हूँ क्या कर सकता है भगवान। किस तरह का लड़की चाहिए भाई तेरे को? लड़की तो अच्छा होना चाहिए। ओके, लड़की तो अच्छा ही होना पड़ेगा। और समझदार होना चाहिए। वही आप लोगों में से कोई ऐसा लड़की है क्या जिस तरह का लड़की भाई को चाहिए? अगर है आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो यार कॉमेंट सेक्शन में यार, कॉमेंट करके। और आप नौकरी तो लग गया भाई, लेकिन सारी अपने पसंद की लड़की से करोगे या अपने घर वाली पसंद की लड़की से करोगे? बाद में देखिए यार। ओडर मेरा ब्रो। दोस्तों चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंचे गया लोकेशन तक जहां आज मीटअप होने वाला है। जो पिछले महीने हमारे गांव के लोगों ने नौकरी मिली है तो उन्हीं लोगों का थोड़ा रेस्पेक्ट देने वाला है यार, सम्मान हमारे गाँव के लोगों की तरफ से। एंड देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। দেবেন্দ্রনাথ দলে বৈচিন গেদম বমচিন আগত পাকে বালা কুঙ্কেরম তে টকা নাম বলে পালে গাব টকা নাম বলে পালে তো মিনাক্ষী দলে পাটি বৈচিন গেদম বমচিন সকেরম তে গাব টকা নাম বলে পালে তো ডকা मुलुक से अनुष्ठान सन अनुष्ठान सन यालोदन लांगा लांगा ना खांगबादी खेमा करबो या पसर से अमादरा दे या पसर तो अमा पुरुषोत्तम दले अमा मादरा से ठेके ठक आदरणीय जनबल कारण मासर मादरे अनुष्ठान छ। ইয়ার পাশে আছে মিনাক্ষী দলে পাটি, তেখেতক আদরণি জনাবার কারণে মই পাপু দলে অনুরোধ জানাইছো। ইয়ার পাশে আছে আমার উদয় বৰুৱা, তেখেতক আদরণি জনাবার কারণে মই পবিত্র দলে অনুরোধ জানাইছো। আমার প্রথম কার্যসূচী আদরণীয় কার্যসূচী শেষ হয়েছে। নয়ন পাটি আমার আজির সভাপতি বর্তমানের গাঁওভরা বিমান পে আদরণি জনাব মিনাক্ষী পাটি। আদরণি জনাব প্রাঞ্জল পি। জয়ন্ত পাটি, পরেশ কনস্টেবল,
आदरणीय जनाब शर्मा दल अविनाश पाटिल परेश गार आदरणीय जनाब विजय दल প্রণব পাটিল এ এফ পি এফ পরেশ কনস্টেবল আদরণীয় জনাব বেণী দলে রূপজ্যোতি মহেশ কামান জে ওয়ার্ডার আদরণীয় জনাব মন্টুপি মিজুলা পাটি পরেশ গার্গ আদরণীয় জনাব ভাস্কর দলে বিমান দলে সুস্মিতা পাটিল পরেশ গার্গ আদরণীয় জনাব দুর্লভ দলে অমল দলে হয়তো আজি রাতি গভীর হয়েছে আগম মিরম মলু মিসিং অপন দনি পলক রুনাম মলু তানি অপন তনি পলক রুনাম মলু তানি অপন আবো তানিক অম্মাং মলু মিসিং এরগান দিরব আগম সাম কাজে মলু মসি সুলাই আদি কোয়ং আসত কাদা কম রলত বগ কুম সুলাই
सब्जेक्ट तो मूल दौलूसन आदर्श कृषि गाँव हिसाब से घना दूँ हमें सब्जेक्ट दूँ रेसिन आज महकमा गमदा म आगत दस इंडिटेन टीम मैं अनुष्ठान को मैंने अनुस्तुपिया के पुलिस दस जन को पादक दो मोदी मैं तथा के तबेट सुपेल महकमा बेचिला टाउन टक सौ कौन नुम सरकार सरकार के लगे मोरू उन्नयन समिति टानी के लगे मैं नाम घर ल दस जन को म गामोसा को तुरुका तुरुकदाक मोर लुटा लाइ मोर इधर मैंने पराग मिला मोलू को इगम दूँ और मोलू को मैंने इधर आम कमा को मोलू मैं दबा टोपा दूँ मोलू पराग पक्ष परागर बोलते मैंने मोर इन मैंने मुलुकदा बोलो आगन दम लुटा लाइ और सूपा का मशाते मैंने दस जन अरे गामोसा को तुरुक तो नम आको उन्नत जन को मैंने लैंडमार्क काम उनको नाम मैंने मूलुक दौलूस मैंने जिमानी अकायदे मैंने मूलुक अभाव नाटन जिमान आसे नूलुक गाँव अभाव नाटन दिया हम मूलुक आसल कृषि मैंने जी माति आरिशन मूलुक मैंने बोले चलिए गतिबान दुई मार्ग गति नाम मूलुक कपाल भागि गई से तार पिछतो मूलू जो सेम पूर्ण मूलुक आशीर्वाद पे कारण कपिलाने एट कथा आज से सुईटार दि इज एस अब एडभार्सिटी जिमान न डाल दरिद्र हम सीमान उन्नतर मूल मैं देख पाए चेस्ा कर टानिए का मैं अभाव से दूर करें तो चेस्ा कर मूलुक टानी खुली से मूल गौरूस हम रेगामस हम मैं दुर्मान खुली से चेस्ा करारे चेस्ारे एट कथा मूलुक मैं मेन अस्त्र शिक्षा शिक्षार अबिहने उन्नति नारे मानु विकास नारे শিক্ষাটোৱে মূল বস্তু কাৰণ মূলক শিক্ষা দিছিল লাডুং আৰু কাপ মানে সংস্থাপন এটা পাওঁ এইটো চেষ্টা চাইড বাই চাইড চেষ্টা কৰি গৈছে এনে পিলা মোৰ চেম্পিয়নে এটা ফল লিখিবলৈ যেন মূলক অভাৰৱেলমিং মূলক বেছি তাত দেখা গৈছে যে আমাৰ কলবাৰী গাঁৱৰ পৰা ঊনৈছজনতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যুৱক যুৱতী এইবাৰ মকৰণ পাইছে নিযুক্তি পাইছে অৰ্থাৎ আমি কেৱল কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় আজি বৌদ্ধিকভাৱেও কলবাৰী গাঁওখন যে আদৰ্শ গাঁও সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উজলি উঠিব অসমখনক ভালধৰণে সেৱা আগবঢ়াব নিজৰ গাঁওখনৰো মান সন্মান বা গৰিমা তেওঁলোকে উজ্জ্বল কৰিবলৈ